हेलो दोस्तों दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको इसकी स्पीड को 2x या 1.75x पे कर लेना, जिसकी वजह से आपका टाइम सेव हो सके। तो दोस्तों आज हम क्या देखने वाले हैं, आज हम देखने वाले हैं डाटा वैलिडेशन। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि ये डाटा वैलिडेशन कहाँ पे। सबसे पहले तो आपको कहाँ पे जाना है, डाटा टाइप पे जाना है। डाटा टाइप में आपको ये मिलेगा वैलिडेशन का ऑप्शन, ठीक है। तो इस वैलिडेशन का ऑप्शन का मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले मीनिंग क्या होता है। अभी सपोज करो आपके पास ये एक सेल है, इस सेल में आप कुछ भी लिख सकते हो ना, एबीसी टेक्स्ट मैसेज नंबर डेट टाइम लेंथ मतलब टेक्स्ट लेंथ कुछ भी लिख सकते हो ना। इसमें कोई भी आपके पास वैलिडेशन या डाटा को रिस्ट्रिक्शन नहीं लगी है ना, आप ये बोल सकते हो रिस्ट्रिक्शन है। बट सम केसेस में आपको क्या होता है कि यहाँ पे आप चाहते हो कि यहाँ पे सिर्फ 1 to 5 रैंकिंग ही भरी जाए, 10 ना दी जाए, है ना। तो उस केस को आपने कैसे करना तो वो मैं बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पे डाटा वैलिडेशन पे ले जाता हूँ। तो डाटा वैलिडेशन के फर्स्ट पॉइंट में जाओगे, तो जैसे ही आप डाटा वैलिडेशन के फर्स्ट पॉइंट में जाओगे तो आपको इस तरह का क्या मिलेगा, डायलॉग बॉक्स मिलेगा और उसमें लिखा होगा सेटिंग, इनपुट मैसेज और एरर मैसेज, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप देखोगे कि बाय डिफॉल्ट क्या है अलॉक या इस सेल में कि एनी वैल्यू, कोई भी वैल्यू जो है आप इसमें भर सकते हो, ठीक है। तो अभी इसमें मैं आपको ऑप्शन दिखाता हूँ। इसमें क्या है कि आप ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो कि सिर्फ फोन नंबर, डेसिमल, लिस्ट, डेट, टाइम, टेक्स्ट और कस्टम, आप कस्टम भी अपना कुछ भी फॉर्मूला लगा सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं आपको होल नंबर बताता हूँ, ठीक है। तो होल नंबर बताने से पहले आपको होल नंबर का मीनिंग भी बताना चाहिए। होल नंबर आपके होते हैं 0 से लेकर 1, 2, 3 इन्फिनिटी तक, ठीक है। बट एक बात याद रखनी है, इसमें पॉइंट वाला नहीं आएगा, जैसे 1.1 आपका एक होल नंबर नहीं है, होल मतलब पूरा पूरा नंबर, ठीक है। तो अभी आपको क्या बोल रहा है कि आपने अलाउ करना है इस सेल में, या मैं क्या करता हूँ, चलो इसी सेल में बता देता हूँ या कैंसिल करता हूँ, ये 3-4 सेल ले लेता हूँ। उसमें मैं क्या करता हूँ, सिर्फ फोन नंबर और इसमें बिटवीन का ऑप्शन है, नॉट बिटवीन का ऑप्शन है, इक्वल नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन लेस देन, ठीक है, ये ऑप्शन है। अभी मैं क्या करता हूँ बिटवीन वाला ले लेता हूँ और इसमें लिखता हूँ 1 to 5 तक, ठीक है। और जैसे ही ओके करता हूँ तो अभी आप देखोगे कि ऐसे तो आपको नहीं पता लग रहा है कि इसमें कुछ मैंने डाटा वैलिडेशन लगाई है कि नहीं लगाई है, बट जैसे मैं 1 लिखता हूँ तो आप देखोगे कि 1 तो उठा रहा है, बट जैसे मैं 1.1 लिखता हूँ तो आप देखोगे कि यहाँ पे क्या आ रहा है, एक एरर मैसेज आ रहा है, दिस वैल्यू डज नॉट मैच द डाटा वैलिडेशन रिस्ट्रिक्शन डिफाइंड फॉर दिस सेट, ठीक है। तो इसने ये वाली वैल्यू नहीं दी। अगर मैं 5 करता हूँ तो 5 को ले लेता, अगर मैं 5.5 करता हूँ तो ये फिर से अपना एक एरर मैसेज जनरेट कर देता है, ठीक है। तो इससे क्या पता लगा कि आपने इन सेल्स पे क्या लगा दिया, एक डाटा वैलिडेशन लगा दिया, ठीक है। तो डाटा वैलिडेशन में तो बट आपको तो नहीं समझ आ रहा कि देखो अभी समझ नहीं आ रहा आपको कि इसमें आपने डाटा वैलिडेशन लगाई है कि नहीं लगाई है। तो हो सकता है कि आप चाहते हो कि यहाँ पे कोई मैसेज भी दिखाई दे, जब मैं इस सेल पे जाऊँ तो मेरे को मैसेज भी दिखाई दे कि भाई इसमें 1 to 5 तक फोन नंबर ही आपने एंटर करना है ना। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसमें डाटा वैलिडेशन में जैसे हमने पहले सारे सेल सेलेक्ट किए थे डाटा वैलिडेशन में, फोन नंबर में तो आप देखोगे इनपुट मैसेज वाला सिग्नल दिया है ना, तो उसका टाइटल आप देख सकते हो। सपोज करो मैं टाइटल देता हूँ होल नंबर, ठीक है, इसमें लिख देता हूँ बिटवीन 1 to 5, ठीक है। और इसको जैसे ही ओके करूंगा तभी अभी देखो आप जिस भी सेल पे जाओगे तो वो आपको बताएगा कि होल नंबर बिटवीन 1 to 5, ठीक है। इसको आप एडिट भी कर सकते हो, इसमें ये भी, इसमें एक टाइटल है, ठीक है, और उसमें आप क्या मैसेज पॉपअप करना चाह रहे हो, ठीक है। तो इससे क्या बंदे को पता लग जाएगा कि हाँ भाई इसमें मैंने क्या करना है, इसमें इस इतने नंबर ही आपने डाले हैं, ठीक है। इससे पता लग रहा है ना आपको, देखो, और इसमें कोई भी डाटा वैलिडेशन है इसलिए इसमें कुछ भी नहीं आ रहा, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको अभी क्या होल नंबर के बारे में पता लगाओ। नेक्स्ट हम कौन सा देखते हैं, डाटा टैब में जाके आपको, अच्छा एक और मैं दिखाता हूँ। सपोज करो जैसे कि आपने 5.5 भरा, तो जैसे आप एंटर मारो तो दिस वैल्यू डज नॉट मैच द डाटा वैलिडेशन, ठीक है, ये एक क्या एरर सिग्नल है। तो इसमें भी आपको कोई इतना इंटरेस्ट से नहीं पता लग रहा है या नहीं पता लग रहा है कि क्या लिखना है, तो आप क्या यहाँ से एरर मैसेज के ऊपर जाके भी लिख सकते हो। जैसे स्टॉप है, इसमें एक और ऑप्शन है वार्निंग का ऑप्शन है, ठीक है, तो वार्निंग भी ले सकते हो आप, ठीक है, या इन्फॉर्मेशन भी दे सकते हो ना, टाइटल इनवैलिड डाटा, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूँ प्लीज इनपुट होल नंबर बिटवीन 1 to 5, ठीक है, बिटवीन की स्पेलिंग गलत हो गई, उस पर नहीं जाना, ठीक है। और ओके करोगे तो आप देखोगे कि अभी अगर मैं इसमें 1.1 डालता हूँ तो क्या बोलेगा, प्लीज इनपुट होल नंबर बिटवीन 1 to 5 इनवैलिड डाटा, ठीक है। तो इस तरीके से आप एरर जो जनरेट हो रहा है उसको भी दिखा सकते हो और एक मैसेज भी दिखा सकते हो कि जैसे आप सेल्स को सिलेक्ट करोगे तो ये आपको दिख जाएगा, ठीक है। उसके बाद मैं कुछ सेल्स को सिलेक्ट करता हूँ और मैं आपको नेक्स्ट एग्जांपल देता हूँ डाटा वैलिडेशन में, सेटिंग में जाके आपको दिखाता हूँ डेसिमल, ठीक है। तो डेसिमल में दिखाता हूँ 1 to 5, तो अभी क्या है, ये तो होल नंबर ही ले रहा था, ये अब आपका क्या करेगा, डेसिमल भी लेने लग पड़ेगा, ठीक है, 2.22222 जितना मर्जी 2 भी ले लेगा, ठीक है, और 5.5 नहीं लेगा क्योंकि उसमें आपका डाटा वैलिडेशन आ गया, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि ये चीज आपको डेसिमल की भी पता लगी होगी और होल नंबर की भी पता लगी हुई। इस तरीके से सेम आपने क्या करना है, डेट में सेलेक्ट करना है डाटा वैलिडेशन, डेट का ऑप्शन सेलेक्ट करना है, बिटवीन ये आप वैल्यू डाल सकते हो, ठीक है। जैसे मैं सेलेक्ट करता हूँ अभी, मैं देखो आपको 12/01/2037 करके दिखाता हूँ तो ये डाटा ले लेगा, बट जैसे ही मैं 13/01/2037 करता हूँ तो ये इनवैलिड नहीं बता रहा है ना। कहाँ तक बता रहा था आपका इनवैलिड, 15 तक। तो मैं इसको अगर 16 करूँ तब आप देखोगे तब भी ले लिया, तो एक बार मैं जाके देखता हूँ कि मैंने लिया, अच्छा 12/12/2037 तक लिया, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं 38 कर देता हूँ उसको, तो मैं जैसे 38 कर रहा हूँ तो इनवैलिड आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, आप डेट भी ले सकते हो, आप सिमिलरली टाइम पे भी ले सकते हो। डाटा वैलिडेशन में जाना, आपको यहाँ टाइम सेलेक्ट करना और टाइम इसके बीच में 10-10 के बीच में, मैं 10 1 डाल के दिखाता हूँ आपको, तो वो जो है वो नहीं उठाएगा, 10 0 1
10.01 ये आपका नहीं उठाएगा, इनवैलिड दिखाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से आप टेक्स्ट लेंथ भी शो कर सकते हो। सपोज करो अभी मैं इसमें सेलेक्ट करूंगा, डाटा वैलिडेशन में जाऊंगा, डाटा वैलिडेशन में आप टेक्स्ट लेंथ में जाएंगे, ठीक है। उसके बाद बिटवीन है 1 to 3, तो ये 1 to 3 तक उठाएगा। अगर मैं ए बी सी डी फुल लेटर डाल रहा हूँ तो ये इसको नहीं उठाएगा, ठीक है। अगर आप स्पेस भी दे देते हो और ए बी लिखते हो तब तो उठा लेगा, और अगर ए बी सी लिखोगे तब भी नहीं उठाएगा, क्योंकि स्पेस को भी ये कंसीडर करेगा, ठीक है, ये बात का ध्यान रखना है। अच्छा, अभी आपको एक चीज दिखाता हूँ कि कभी कभी कुछ केसेस में आप क्या देखते हो, ड्रॉप डाउन लिस्ट दी होती है। जैसे अभी क्या दिया है इसमें, कुछ मंथ्स की जैन फेब मार्च अप्रैल की आपको क्या दिया, ड्रॉप डाउन लिस्ट दी है। तो सपोज करो आप यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट देना चाहते हो, तो आपको क्या करना है, उन सेल्स को सिलेक्ट करना है डाटा वैलिडेशन पे। डाटा वैलिडेशन पे जाने के बाद यहाँ पे लिस्ट का ऑप्शन आएगा, एक लिस्ट का ऑप्शन को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे सोर्स लिखना है। तो आप कुछ भी लिख सकते हो, जैन, या मैं मंडे ट्यूजडे कर देता हूँ, मंडे ट्यूजडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, ठीक है। और उसके बाद क्या करूंगा, ओके करूंगा, तो आप देखोगे कि यहाँ पे क्या है, जनवरी मंडे ट्यूजडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे का ऑप्शन मिल रहा है। जहां जहां तक आपने किया है तो वहां वहां तक आपके पास क्या है, ड्रॉप डाउन का ऑप्शन मिल रहा है, ठीक है। बट इसमें एक प्रॉब्लम है कि सपोज करो अगर आपके पास बहुत ज्यादा लेंथी डाटा है ना, तब तो आप सपोज करो कुछ स्टेट्स के डिस्ट्रिक्ट्स है ना, जैसे यूपी के हमारे पास बहुत ज्यादा डिस्ट्रिक्ट्स है, तो ऐसे तो आप एक एक लिखते हुए थक जाओगे। तो इसके लिए भी आपके पास एक ऑप्शन है, मैं आपको दिखाता हूँ। आपको क्या करना है, डाटा वैलिडेशन पे जाना है, डाटा वैलिडेशन पे जाना है, लिस्ट पे चूज करना है, लिस्ट के रखने के बाद सोर्स पे आप क्लिक कर सकते हो। और जैसे ही सोर्स के ऊपर क्लिक करोगे, सपोज करो मैं ये वाला सोर्स करता हूँ और उसके बाद यहाँ डाटा वैलिडेशन के ऊपर करूंगा, एंटर करूंगा, तो आप देखोगे कि ये सोर्स ऑटोमेटिकली यहाँ से उठा लेगा। उसके बाद ओके करूंगा, तभी आपको मैं दिखाता हूँ कि ये आपका पूरा जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई अगस्त नवंबर आपका सारा सिलेक्ट कर ऑप्शन आ रहा है। तो इस तरीके से क्या करोगे, आप जल्दी कर सकते हो। पर ऐसा इसमें भी एक ना मैं प्रॉब्लम बताता हूँ आपको। सपोज करो कि अगर कोई इसको डिलीट कर देता है नवंबर को, तब आपको दिखेगा कि यहाँ ड्रॉप डाउन लिस्ट में क्या हो रहा है, नवंबर गायब हो गया है ना। तो ये तो बड़ी दिक्कत वाली बात है कि अगर किसी ने यहाँ से डिलीट कर दिया, सपोज करो मैं सारे डिलीट कर दूँ तो क्या होगा, सारे के सारे ब्लैंक हो गए। ये तो बहुत ज़्यादा गड़बड़ वाली बात है ना। तो इसको अगर आप इसका एक मतलब ट्रिक समझ लो कि क्या करना है आपको, जहाँ जो जिस जो लिस्ट आपने उठाई है उसको क्या करना है, कंट्रोल सी करके कहीं और पेस्ट कर देना, उसको हाइड कर देना, क्योंकि कोई डिलीट ही नहीं कर पाए, ठीक है। तो इसका एक ये शॉर्टकट वे हो सकता है आपको कि उसको डिलीट उसको हाइड कर दो, जो जहाँ से आपने ये लिस्ट उठाई है तो उसको हाइड कर दो। तो आशा करता हूँ कि आपको ये चीज समझ आई होगी। तो फोन नंबर, डेसिमल, एग्जिट, ड्रॉप डाउन लिस्ट दोनों, और इनपुट मैसेज और एरर मैसेज भी मैंने इसी क्लास में दिखा दिया, तो इसको मैं इन नेक्स्ट क्लास से हटा देता हूँ। तो आशा करता हूँ कि आपको ये चीज समझ आई होगी। तो मिलते हैं थोड़ी सी और डिटेल में डाटा वैलिडेशन की। तो तब तक के लिए धन्यवाद।